गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए शाम के 7 बज चुके हैं। कल कुछ कारण से क्लास नहीं चल पाई थी, आज कंटिन्यू करते हैं हम लोग। शाम के 7 बज चुके हैं। जो बच्चे आ गए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जो बाद में जुड़ते रहेंगे अपना बच्चे, आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। NTPC प्रीवियस ईयर का आज 20वीं क्लास है। आपको हमने बताया था कि क्वेश्चन अलग अलग सिस्टम से अलग अलग तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलते हैं, उनको हम कैसे सवाल को बनाते हैं, टाइम में बनाते हैं, ये सब चीज़ें अभ्यास से ही होता है और यही अभ्यास हम लोग का कंटिन्यू चलता है। ठीक है, जो बच्चे आ चुके हैं अपना अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करते रहें, हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि ज़्यादा समय ना गवा कर। ठीक है, चलिए आज के लिए पहला सवाल है, आज का पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर, आप लोग इसका उत्तर दीजिए। आज का पहला सवाल है और NTPC प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेक्शन चल रहा है। आज की ये 20वीं क्लास है, जैसा कि आपने स्क्रीन पे देखा भी था। ये सवाल कह रहा है, कक्षा में 9 लड़के एवं कुछ लड़कियां थीं। एक परीक्षा में लड़कों को 13 औसत अंक प्राप्त हुआ, जबकि लड़कियों को द्वारा प्राप्त औसत 15 थे। यदि कक्षा में कुल औसत 14.28 हो तो कक्षा में विद्यार्थियों की टोटल संख्या क्या होगी। इसका सबसे आसान तरीका होता है मेथड, क्या होता है रेशियो, उसका एलिगेशन मेथड। एलिगेशन से हम रेशियो बना लेते हैं और रेशियो लड़के और लड़कियों के बीच यदि रेशियो आएगा तो वहाँ से संख्या फाइंड कर लेते हैं। एलिगेशन मेथड सबसे बेहतर मेथड है, उसी से आप लगाइए इस सवाल को। ठीक है ना, एक्स मानकर बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। 2-3 मेथड हैं जो हर सवालों में काम करते हैं, रेशियो मेथड, एलिगेशन मेथड, सक्सेसिव यानी क्रमिक जब वृद्धि होती है, तो उस तरह के सवाल को अभी क्योंकि इसका कोई सेक्शन नहीं होता है, ये हर सवालों में पूछा जाता है और हर सवालों में इसका जवाब दिया जा सकता है, हर टॉपिक में, चाहे वो जो भी परसेंटेज का हो, लाभांश का हो, एवरेज का हो, ठीक है, या फिर आपको CISI का हो, स्पीड टाइम का हो, टाइम स्पीड का हो, कुछ भी का हो। ठीक है, जल्दी से बना दीजिए, काफ़ी बच्चों का कमेंट आना भी शुरू हो गया है। चलिए हम बता देते हैं, जिन बच्चों का नहीं आया है हम बता देते हैं। कह रहा है लड़के हैं 9, लड़कियां हैं कुछ पता नहीं है, लड़कों का एवरेज दिया गया है यानी बॉयज़ का एवरेज दिया गया है 13, गर्ल्स का एवरेज दिया गया है 15, दोनों का मिक्स एवरेज कितना दिया गया है 14.28। ठीक है ना, अब इसको अगर आप दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे, रेशियो आ जाएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 0.72 आ जाएगा इसका रेशियो, और इसका रेशियो आ जाएगा 1.28। ठीक है, ये कटेगा ज़रूर, सरल होगा, 4 से 18 चौक 72, 4 से कटेगा, 4 3 12, 4 2 8, फिर किससे कट जाएगा 9, और ये 16 टाइम्स आएगा, 2 से कट जाएगा। इसका मतलब अगर ये रेशियो क्या बना, दोनों के रेशियो क्या बन गए, रेशियो बन गया 9:16 के। इसका मतलब ये है कि अगर बॉय 9 होंगे, गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 16 हो जाएंगी, 16 यूनिट, जबकि यहाँ बॉयज़ की वैल्यू भी 9 ही दिया है, तो गर्ल्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी, ऑप्शन में दिया ही नहीं, कहीं गलत हुआ क्या, 4 3 12, 4 2 8, 16 2 32, 9 2 18, ऑप्शन में दिया ही नहीं है। अच्छा, वो कक्षा में विद्यार्थियों की टोटल संख्या पूछा है, सॉरी, तभी तो ये गर्ल्स 16 है ना, गर्ल्स का नहीं पूछा, टोटल पूछा है, समझ रहे हैं ना, टोटल पूछा, देखिए टोटल, टोटल कितने लोग हैं, तो टोटल कितने जाए, 16 9 25 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ जाइए, समझ में आ गया ना। एलिगेशन मेथड से लगा लेंगे, लड़के और लड़कियों की संख्या अलग अलग पता लग गई, 9 लड़के होंगे तो 16 लड़कियां होंगी, टोटल कितने हो जाएंगे, तो 16 और 9 जोड़ देंगे 25 हो जाएंगे। अगला बना दीजिए सवाल, अगला बना दीजिए सवाल। एक कुंड को 2 पाइप ए और बी क्रमशः 4 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं, जबकि भरे हुए कुंड को एक तीसरा पाइप सी 8 घंटे में खाली कर सकता है,
यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो जलाशय को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन बहुत सरल तरीके से इसको बनाया जा सकता है। एक नल है जो 4 घंटे में भरता है, दूसरा नल है जो 6 घंटे में भरता है, तीसरा नल सी मान लेते हैं जो 8 घंटे में खाली करता है। लैल्सियम कितना हो जाएगा? 24। इसकी कार्य क्षमता 6, इसकी 4, इसकी 3। इसका मतलब ये दोनों क्या करते हैं? प्लस भरते हैं, प्लस का सिंबल लगा सकते हैं। ये क्या करता है? खाली, तो माइनस कर सकते हैं। दोनों मिलकर भरते हैं कितना? 10। ये खाली करता है कितना? 3। इसका मतलब हौज में पानी जाता कितना है? 7। जाना कितना है? 24। 24 बटा 7 घंटे में टंकी क्या हो जाएगी? खाली हो जाए, भर जाएगी, सॉरी खाली नहीं होगी, भर जाएगी। तो 24/7 का मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ? ये दोनों भर रहे थे, देखिए फिर से एक बार बता दे रहे हैं, इसकी कैपेसिटी 6 आ गई, बी की कैपेसिटी 4 आ गई, सी की कैपेसिटी 3 आ गई। इसका काम खाली करना, इसका भरना, इसका भरना, प्लस का नंबर मतलब वही भरना हो गया। ये दोनों भरते हैं 6, 4, 10 लीटर, लेकिन उसी दौरान ये 3 लीटर खाली कर देता है। हौज में जाता है 7, जाना कितना है? 24। 24/7 में टंकी भर जाएगी, ठीक है ना। अगला बढ़ा दीजिए, सिंप्लीफिकेशन करना है इसका, बड़ा जल्दी सवाल है, बना दीजिए फट से। एक सौ 36/17 प्लस 17×13 जल्दी से बना दीजिए सब लोग। चलिए जिसका आ गया है, अभी तक तो अमेंट में नहीं आया है बच्चों का उत्तर, चलिए हम बता दे रहे हैं। पहले इसको क्या करेंगे? इससे भाग दे देंगे, ठीक है ना। तो कितनी टाइम जाएगा? 17×8 टाइम जाएगा, 8 बार जाएगा। इसको इसके साथ गुणा करा देंगे, इसको इसके साथ घटा देंगे, जो घटाने पे जो आएगा फिर गुणा करा देंगे, फिर भाग दे देंगे। ठीक है ना। यहाँ एक चीज़ माइंड में रखना है इसको, ये इसके साथ हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 8 आ जाएगी, ठीक है ना। प्लस इसको गुणा करा लेते हैं, ब्रैकेट हल करेंगे तो हो जाएगा 17×51 17×17 5×22 221 हो जाएगा। माइनस इसको इसके साथ घटाएंगे तो कितना आएगा? 18 आएगा, गुणे। अब इसके बाद इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 207, ठीक है ना, भागे 23, ठीक है ना। इक्वल टू क्या होगा यही बताना है, ठीक है ना। हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करके देखे यार, ये कितनी टाइम जाएगा, कितनी टाइम जा सकता है? 9×9=27, 9 बार जाएगा। 9×18 में होगा, 18×9=162, ठीक है ना। ये 9 टाइम जाएगा, 9 और 9×18 से गुणा कराएंगे तो 162। माइनस अब ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो 229, 162 में 229 घटाएंगे, 12×6=6, 1×1=2, 67 उत्तर इसका आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा भाई? सी ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो सी ऑप्शन सही होगा। बात समझ गया है ना, क्लियर हुआ? किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए आगे, साइन स्क्वायर 60° प्लस कॉस स्क्वायर 30° प्लस कॉट स्क्वायर 45° प्लस सेक स्क्वायर 60° की वैल्यू बतानी है। साइन का मान, कॉस का मान, टेन का मान, कॉसेक का मान, सबका मान डिग्री में अगर पता है तो कोई दिक्कत ही नहीं। जल्दी से बनाइए सब लोग, कमेंट करके बताइए सब लोग।
चलिए देख लेते हैं जिसका बच्चों का आया है, नहीं तो हम बता दे रहे हैं। साइन 60 का मान क्या होता है? रूट 3/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 का मान साइन 60 के मान के बराबर होता है। तो जो मान साइन 60 का होगा वही कॉस 30 का मान होगा प्लस काट 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर कह रहा है 60 डिग्री का। sec 60 का मान क्या होता है? cos 60 का उल्टा होता है। cos 60 का मान क्या होता है? 1/2। 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। इसकी वैल्यू 3/4 आएगी, इसकी भी वैल्यू 3/4 आएगी, इसकी वैल्यू 1 आएगी, इसकी 4 आएगी, ठीक है ना। ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 6/4। 6/4 को लिख सकते हैं 3/2 प्लस 5, 4 × 1 = 5 हो जाएगा ना। इसको लिख सकते हैं 1 × 1/2 यानी 6 × 1/2, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 13/2 भी लिख सकते हैं। ऑप्शन में जैसे बनाया है वैसे उत्तर देख लेंगे। दोनों उत्तर सही है, 6 × 1/2 या फिर 13/2। ऑप्शन में क्या दिया है? 13/2 दिया है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलिए क्लियर हुआ, अगला बना दीजिए फट से। ऑप्शन को देखते हुए सवाल को लगाएंगे, यूनिट डिजिट से आप देख लेंगे, इसको घटाना भी है। थोड़ा सा ऑप्शन को जरूर देखेंगे, माइंड में ये चीज़ कैलकुलेट जरूर करेंगे ऑप्शन में के अकॉर्डिंग, क्योंकि कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऑप्शन से ही मामला कभी कभी बन जाता है। जैसे देखिए इसका, देखिए 4 दिया गया है, 4.44 दिया गया है, 4.4 दिया गया है, 4.04 दिया गया है, 444 - 20 दिया गया है। तो इसका मतलब इसका इकाई अंक 0.2 दो अंक पे है, इसमें 0 बढ़ा लेते हैं, 2 अंक पे ये भी हो गया, 2 अंक पे ये भी हो गया, तो 4, 4, 8 यानी जिसका यूनिट 0.2 अंक तक लगेगा और जिसका यूनिट 8 आएगा, तो ये दोनों तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। दोनों में यूनिट 8 है, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, तो 0, 4, 4, 8 ठीक है ना, ये भी यानी 8, 8 दोनों सही है, यानी इन्हीं दोनों में से ऑप्शन सही है कोई, ठीक है ना। बी और ए और बी में से अब देख लेते हैं, 4, 4, 8 और 44, 8 कितना हो जाएगा? 52, 52, 4, 56 56 इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना? हो जाएगा 500 500 में 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2, 480 यानी 480.88। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है। बस समझ में आ गई। थोड़ा सा ऑप्शन देखेंगे, नज़दीक बनाया था, अगर यूनिट डिजिट कभी कभी तो यूनिट डिजिट से ही उत्तर आ जाता, जानते हो क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 दिया था, उसमें भी 2 दिया था, अगर इसी दोनों में से कोई एक ऑप्शन इधर उधर कर दिया होता तो फिर गड़बड़ हो जाता, तब आपको बिना जोड़े ही उत्तर आ जाता। अगला बनाइए, एक पुस्तक को 25.65 रुपये में बेचने पर एक व्यापारी को 5% की हानि होती है, यदि वह इसे 30.56 रुपये में बेचता तो उसे लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कितना होता है? इसका हमने थ्योरम बताया था डायरेक्ट लगाने का, डायरेक्ट लगा सकते हो इसे सवाल, ठीक है। यस, यहाँ पे इसकी, यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसका कास्ट प्राइस सीपी निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा आप प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। जब 25.65 में बेच रहा था तब इसकी सेलिंग प्राइस क्या थी, और नई सेलिंग प्राइस कह रहा है 31.05 में बेचेगा तो क्या होगा? तो यहाँ पे जब 25.65 में बेच रहा था तो 5% यानी 95% की वैल्यू थी, तब इसका विक्रय मूल्य परसेंट में कितना था? 95% था कि नहीं? 5% हानि मतलब 95 था, और अब कितना हो जाएगा? यक्स मान लेते हैं, आपका नया परसेंटेज क्या होगा, तो यक्स मान लेते हैं, यहाँ से पता लग जाएगा, दो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, ठीक है, 5 से कट जाएगा ये, 5 × 25 ठीक है ना, 5 × 1=5, 5 × 3 = 15,
पाँच छक 30, पाँच दूनी 10, पाँच एकन्नम 5, ठीक है ना। और किससे कटेगा, ऊपर नीचे किससे कट सकता है, पाँच चार नौ से कट जाएगा। डिस्टेंस हम दोनों का पाँच चार नौ आ रहा है ना, तो नौ से कटेगा, 9 8 72 ज़्यादा हो जाएगा, 9 7 63, 9 9 81, ठीक है। 9 से कटेगा, 9 5 45, 6 9 7 63, ठीक है ना। अब किससे कट सकता है, इसका मतलब है कि 57/79 गुणे बराबर होगा 95% बटा एक्स के। अपन 57 यूनिट की वैल्यू इतनी है, इसकी यूनिट की वैल्यू निकालनी है ना, यानी हम कह सकते हैं कि 57 यूनिट की वैल्यू 95% है, तो हम कह सकते हैं कि 79 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। कुछ कटने का कहीं मामला दिख रहा है क्या, किसी से मल्टीफल होने का? इसका मतलब है इसकी यूनिट जो होगी वो 100 से ज़्यादा आएगी, तो लॉस तो होने वाला नहीं है। ये दो ऑप्शन तो वैसे कट गए, लॉस तो होने वाला नहीं है, समझ गए ना। हानि तो नहीं हो सकता, लाभ ही होगा। 10% से ज़्यादा हो सकता है, कैसे? अब देखिए अप्रॉक्स लगाएंगे, कैसे जानेंगे? दो ही ऑप्शन बचा, एक 10%, एक 15%। तो यहाँ से देखिए, अब आपको यहाँ से ये करना है कि जब 57% की वैल्यू, 57 यूनिट की वैल्यू 95 थी, तो 79 यूनिट की वैल्यू क्या होगी ना। तो उन्नीस से कट जा रहा है, 19 3 57 19 5 95, बात समझ रहे हैं ना। 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। अप्रॉक्स मान लेते हैं, अप्रॉक्स वैल्यू इसकी मान लेते हैं किससे, 13, 3 2 6 3 6 18, 26 25 130, कहीं गलत हो रहा है क्या, 10% से ज़्यादा ही आएगा, 5 से काट दिया, 5 5 25, 5 1 5, 5 3 15, 5 6 30, 5 2 10, 5 1 5, किससे फिर काटा गया है, 9 से 9 7 63 ज़्यादा हो रहा था, अभी तो 69, 9 6 54 है ये, 69, ठीक है ना, ये 69 है, तभी तो गलत ही हो रहा था। तो 3 से कट जाएगा, 3 2 6 3 3 9, 23 5 115, 115 मतलब 15% का प्रॉफिट, यही गलत हुआ था, ठीक है। ये यहाँ पे गलत हो गया था, 69 आएगा, 79 नहीं, 115 आ जाएगा, 115 मतलब 15% प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा सही है, डी सही है। यही कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, 69 नहीं था, 69 था, 79 नहीं था, ठीक है ना। ये यहाँ पर क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। डायरेक्ट लगाएंगे यहाँ पे, कास्ट प्राइस निकालने की कोई आवश्यकता नहीं ना, निकालेंगे ही। अगला बनाइए फट से, 0.98 का क्यूब प्लस 0.02 का क्यूब प्लस 3 गुणे 0.98 गुणे 0.02 माइनस 1 का मान बताना है। किसी का फार्मूला लिखा गया भाई, ये देख रहे हैं, ये फार्मूला लिखा गया है, और ये फार्मूला की लिखा गया जानते किसका, ये लिखा गया a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 1, यही है फार्मूला ये। और a प्लस बी का मतलब होगा 0.98 प्लस 0.02 का होल क्यूब माइनस 1, इसका मान 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा, 0 आएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका, सेकंड ऑप्शन।
अरे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी सी, अब ए और इसके बाद क्या होगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी यही तो फार्मूला होता है, ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का इसमें साइलेंट है ना ए क्यूब, अब ये क्यूब तो दिख रहा है, बी क्यूब भी दिख रहा है, प्लस थ्री ए बी दिख रहा है, ये तो दिख रहा है, लेकिन ए प्लस बी आपको लग रहा है कहाँ ये है, तो ए प्लस बी का मान वन है और वन में किसी भी संख्या में गुणा कराएंगे तो उसकी वैल्यू वन ही आती है, ठीक है ना। चलिए अगला, एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 13.5 सेकंड में और 205 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 18.25 सेकंड में पांच पर जाती है, रेलगाड़ी की चाल। दोनों रेलगाड़ी वही है जब उसकी, देखिए जब 110 मीटर लंबा प्लेटफार्म था तब 13.5 सेकंड लगा, जब 205 मीटर लंबा प्लेटफार्म हो गया तब उसे 18.25 सेकंड लगा, यानी हम कह सकते हैं कि इसकी तुलना में इसे टाइम कितना ज़्यादा लगा, तो इसको इसके साथ घटा देंगे तो 4.75 सेकंड ये तो लगेगा, ज़्यादा कितना है 4.5 सेकंड इसमें जोड़ देंगे, ठीक सही है 13.17 18.25, ठीक। अब यहाँ पे डिस्टेंस इसकी तुलना में इसकी प्लेटफार्म कितना ज़्यादा है, तो प्लेटफार्म ज़्यादा है, 210 में से 205 घटाएंगे 95 आ जाएगा, तो यहाँ हमारे लिए इस चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, ठीक है ना, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, और दूरी कितनी है, तो दूरी जो है वो 95 मीटर है, समय कितना है इसको सेकंड जो लिखा गया है बटे सही में इसको बोले तीन, इसको लिख सकते हो 4 सही 3/4 सेकंड ना, 4 4 16 3 19 19/4 लिख सकते हो, 4 ऊपर चला जाएगा, ये सेकंड में है और ये मीटर में है तो कट जाएगा 19 5 95 5 4 20, चाल आ जाएगी 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। इसको किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए कुछ करना नहीं है, क्या करना है आपको 5/18 से, ठीक है ना, आपको इसमें 5/18 से गुणा करा देना है, क्या हो गया भाई, इसमें 5/18 से आपको क्या करना है, गुणा करा देना है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर, अगला देखिए, अगला बनाइए। एक कार कह रहा है 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में 44 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है, 1 लीटर पेट्रोल में कार की कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है ना, कुछ करना नहीं है इसमें, आसान सवाल है, बना देंगे फट से। देखिए कह रहा है एक कार है जो इतनी किलोमीटर, इतने लीटर में इतनी किलोमीटर जाती है, कह रहा है 1 लीटर में कितना जाती है, तो इसको 4 3 2 8 8 3 11 इसको फ्रैक्शन में बना लेंगे, तो 8 3 11/4 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी जाती है, 44 लीटर किलोमीटर, 1 लीटर पेट्रोल में क्या हो जाएगा 44/11 × 4 हो जाएगा ना, 4 11 6 44 16 किलोमीटर दूरी तय करेगी, ठीक है ना, 16 किलोमीटर दूरी तय करेगी, ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, तो डी ऑप्शन सही होगा, कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला बना दीजिए फटाक से। कह रहा है निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर कौन सी संख्या दशमलव संख्या मध्य में होनी चाहिए, मतलब कौन सी संख्या सब बीच में है, 5 संख्याएं दी गई हैं, कह रहा है सबसे बीच में कौन सी संख्या है, ऑर्डर में देखा जाए तो मध्य, हम ये भी कह सकते हैं माध्यिका, माध्यिका निकालनी है, आसान दिया गया है, इसमें कुछ करना नहीं है।
ठीक है, चाहे जिसे असेंडिंग निकाल लो चाहे डिसेंडिंग निकाल लो, इसमें से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टोटल कितनी संख्या है, पाँच। अगर डिसेंडिंग निकाल लोगे तो सबसे छोटी संख्या कौन है, 0.658 है, ठीक है, उसके बाद कौन है, उसके बाद 0.8 है, उसके बाद कौन है, तो हो जाएगा 0.74 है, उसके बाद कौन है, तो 6.03 है, उसके बाद 7.2 है, ये ऑर्डर में हो गया ना। तो इसमें बीच की संख्या कौन है, 5.74, 5.74 का मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, चलिए आगे नेक्स्ट। अगला कह रहा है 686 को चार भागों में विभाजित किया जाता है जिनका अनुपात दिया गया है 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में। पहला भाग पूछ रहा है, आसान सवाल है, जल्दी से बना दीजिए सब लोग, बहुत आसान सवाल है, जल्दी से कमेंट के माध्यम से आप लोग बना दें। इसका रेशियो बना लेंगे, रेशियो भिन्न में नहीं होता है, तो इसको सही रेशियो बनाने के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पे देखिए गया है 1/2, 2/3, 3/4, इसका एलसीएम ले लेंगे हर का, डिनोमिनेटर का इसका हर एक है, इसका एक है ना, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, मतलब ये 3 times जाएगा, ये 2 times, 2 × 2 = 4 times जाएगा, ये 6 × 3 = 18 times जाएगा, और ये हो जाएगा 24 times, ठीक है ना। अब इसी रेशियो में इस पैसे का बंटवारा करना है, कितने रेशियो में, 686 रुपये का कितना यूनिट है कुल, 24, 18 कितना हो जाएगा, 42, 42 और 7 49, 42 7 49 हो जाएगा, 49 से भाग देकर किसका पूछ रहा है, फर्स्ट भाग का, पहला भाग का ना, पहला मतलब 3 से गुणा हो जाएगा, ठीक है ना, 1 time जाएगा, 49 × 1 = 49, 1 time जाएगा, कितना बचेगा, 19 × 96, 4 times जाएगा, 14 × 3 = 42, पहले को कितना मिलेगा, 42 यूनिट, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो सी ऑप्शन सही होगा, कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट बना दीजिए फट से। 22 - 23 - सब ब्रेकेट हल करना है, सबसे छोटा ब्रेकेट है भाई ये देख रहे हैं, रेखा ब्रेकेट इसको कहते हैं, तो इसको हल करेंगे सबसे पहले, ये यहाँ से आप ऐसे लगा सकते हो, ऐसे ब्रेकेट नहीं लगा सकते, तो ये -3 - -5 आ जाएगा, माइनस का गुणा होगा +5 हो जाएगा, इसको 27 के साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 को 24 के साथ घटाएंगे तो -8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा, -8 को जब इसके साथ घटेंगे तो प्लस हो जाएगा, 23 में 8 जोड़ देंगे 31 हो जाएगा, 31 में से -22 घटाएंगे -9 आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ठीक है ना, वहीं से लगा देंगे भाई। अरे ऊपर नीचे लिखना आएगा तो नीचे लिखने देते हैं भाई आप लोगों को, 25 में से 30 घटाएंगे -5 आएगा, -5 को जब माइनस से गुणा कराएंगे तो प्लस हो जाएगा, 27 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 माइनस में से 24 घटाएंगे तो -8 आएगा, -8 को जब फिर माइनस से गुणा कराएंगे तो +23 हो जाएगा, इसका जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 31 माइनस से फिर गुणा कराएंगे -22 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, -9, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं अगला सवाल। अगला देखिए बहुत आसान सवाल है, सुलानी कह रहा है 450 मीटर की दूरी कितने समय में तय कर सकती है यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हो। बहुत आसान सवाल है, ठीक है ना, 20 की स्पीड से 450 मीटर दूरी जाना है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, क्या होता है, दूरी बटा, दूरी है 450 मीटर, सम चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 5/18 से गुणा होगा, 18 ऊपर चला जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर हो जाएगा ना, तो ये मीटर पर सेकंड आ जाएगा, यानी जो समय हमारा आएगा वो सेकंड में आएगा ना, समय हमारा किस में आएगा, सेकंड में आएगा,
काट देते हैं, जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, पाँच से कटेगा पाँच नौ बार जाएगा, दो से कटेगा ये भी नौ बार जाएगा, नौ नौ 81 सेकंड कितना समय लगेगा, 81 सेकंड। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी। कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन, ठीक है ना, 81 सेकंड आएगा। अगला लिखिए, चलिए अगला बता दीजिए, 75 और 125 को किसके सरलतम रूप में व्यक्त किया जा सकता है, 25 तीन 75, 25 पंचे 125, ऑप्शन नंबर सी सही है, ख़त्म। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी। अगला चले, कुछ करना नहीं, सरल करना, 25 से कट जाएगा। चलिए अगला बना दीजिए फट से, किराए एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 8% और 12% बढ़ा दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। सक्सेसिव है, एक बार 8% बढ़ेगा, इसको रेशियो मेथड से भी लगा सकते हो, लेकिन डाटा हमने आपको बताया था सरल होगा, तो रेशियो मेथड से नहीं, आप प्लस माइनस एक्स, प्लस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपान 100 से लगाएंगे। जब डाटा टिपिकल होगा तभी रेशियो बना के लगाएंगे, यहाँ डाटा आसान दिख रहा है। तो 8 प्लस 12 माइनस, अच्छा प्लस ही होगा ना, ये दोनों प्लस है ना, वृद्धि हो रही, तो प्लस 8 गुणे 12 बटा 100, ठीक है ना, 12 अठे 96, 12 8 20 और प्लस पॉइंट 96 में दो अंक पे दशमलव लग जाएगा, 20.96। ऑप्शन नंबर कौन सही है, फर्स्ट। कौन सा सही है, फर्स्ट। क्रमिक बार बढ़ता ना, इसको रेशियो मेथड से भी लगा सकते हैं लेकिन रेशियो मेथड से लंदी हो जाएगा, इसीलिए इसको इसी से लगाएंगे, हमने आपको परसेंटेज में ये चीज़ बताई है, कब रेशियो मेथड से, अगर डाटा टिपिकल देगा तभी रेशियो मेथड लगाएंगे हम। अगला कह रहा है, 50,000 रुपये की धनराशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज तिमाही दे है, 3 महीने में आपको ब्याज मिलता है, ब्याज की दर क्या है, तिमाही है, तिमाही देख रहे हैं, तिमाही, और 6 महीने के लिए आपने पैसा लगाया है, ब्याज का रेट क्या है, 12%, एक साल में 12% देगा तो 3 महीने में कितना दे देगा, 3%, 6 महीने में कितनी बार मिलेगा, 2 बार, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप मूलधन कितना है, 50,000 गुणे ब्याज की दर कितनी हो जाएगी, 3%, 1.03 हो जाएगा, कि पावर कितनी बार हो जाएगी, 2 बार, चाहो तो डिजिटल सम से भी लगा सकते हो, ठीक है ना, और चाहो तो यहाँ पे इसको गुणा करा के भी कर सकते हो, ब्याज पूछ रहा है ना यहाँ, ब्याज, अच्छा ब्याज पूछ रहा है तो माइनस वन करना पड़ेगा भाई, ध्यान रखिएगा इसको, ब्याज पूछ रहा है तो माइनस वन करना पड़ेगा, ठीक है ना, माइनस वन हो जाएगा, ठीक है ना, अगर आप यहाँ से लगाएंगे डिजिटल सम, डिजिटल सम लगा सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 में डिजिटल सम क्या आ जाएगा, 7 में से एक जाएगा 6, ठीक है ना, ठीक है, 15 भी मान लीजिए, ठीक 6 और गुणे 5, इसका डिजिटल 5, 6 पंचे 30, 30 में डिजिटल सम 3 आएगा, जिसका डिजिटल सम 3 होगा वही उत्तर होगा, 3 किसमें है देख लेते हैं, 8 2 10 10 7 17 5 22 में 4 आएगा नहीं होगा, 9 से 9 कट गया, 6 5 11 2 13 13 में 4 आएगा नहीं होगा, 5 4 9 इसमें डिजिटल सम 2 आ रहा है ये भी नहीं होगा, 5 4 9 3 आ रहा है, इसी में ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन कौन सा सही है, डी सही है, गुणा कराकर भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, गुणा कराकर भी लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, डिजिटल सम परफेक्ट तरीका है, ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अप्रॉक्स ना वैल्यू दिया रहा हो बस, एक समुच्चय में 4 संख्याएं हैं, इनमें से 3 छोटी संख्याएं का माध 9 दिया गया है, 3 बड़ी संख्याओं का माध 11 दिया गया है, तो डेटा में समुच्चय का परास क्या होगा, सारे डेटा निकालने पड़ेंगे, ठीक है, जल्दी से बनाइए आप लोग, मतलब माध्य का मतलब एवरेज,
डेटा का परास बनाना है। परास का मतलब होता है अधिकतम और न्यूनतम के बीच का डिफरेंस ही परास कहलाता है। आसान सवाल है, आप लोग का दिमाग अगर वहाँ तक पहुँच जाएगा तो। हम चार संख्या मान लेते हैं, ए बी सी और डी मान लेते हैं, ठीक है ना। पहले तीन छोटी संख्या ए बी सी होगी, ए प्लस बी प्लस सी, इसका औसत 9 दिया है तो योग 27 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, ये औसत दिया है तो योग 27 हो जाएगा, औसत 9 दिया ना। अब अगली बड़ी संख्या, तो बड़ी तीन संख्या ये होगी ना, ये सबसे छोटी है, बड़ी से बड़ी सबसे ना, तो b प्लस सी प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा, 11 × 3 = 33, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, परास निकालना है। क्या निकालना है, परास। परास का मतलब होगा सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का डिफरेंस। सबसे बड़ी संख्या d है और सबसे छोटी संख्या a होगी ना, तो d माइनस a हमारे लिए परास है। तो इसमें इसको घटा देते हैं, क्या करते हैं, घटा देते हैं, ये घटा देंगे इसको से, तो ये इससे कट जाएगा, सी सी से कट जाएगा, ठीक है ना। a और d के बीच का डिफरेंस कितना, d माइनस a बराबर कितना हो जाएगा, घटा देंगे इसको इसमें से, तो 6 आ जाएगा। यही इसका उत्तर हो गया, यहाँ संख्या निकालने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी, ठीक है ना भाई। जब इसको इससे घटाएंगे माइनस में आ जाएगा, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये तो इससे कट गया, ये इससे इस कट गया, इसको घटा दिया, दोनों के बीच कट, बी सी बी सी कॉमन है ना, तो कट जाएगा, ए डी का ही डिफरेंस आएगा, और ए बी का डिफरेंस ही पूछा गया है, 27 और 33 में डिफरेंस 6 का है, उत्तर आ जाएगा। अगला बना दीजिए फट से। लता घर पर 20 किलोग्राम पनीर खत बनाती है और इसे प्रत्येक सुबह बेचती है। 1 लीटर दूध से वह 200 ग्राम पनीर बनाती है। 1 लीटर दूध की लागत 40 रुपये है। वह रोज़ाना दूध खरीदने में कितना पैसा खर्च करती है। 1 किलो पनीर का दाम निकाल लो ख़त्म, कितना लगता है। 1 लीटर दूध का दाम 40 रुपया है, 1 लीटर में 200 ग्राम पनीर बनाती है, इसका मतलब 40 रुपये में 200 ग्राम पनीर मिलेगी, यही तो हुआ। 40 रुपये में 200 ग्राम पनीर है तो स्वाभाविक बात है कि इसका 5 गुना 1000 ग्राम होगा ना, 1000 मतलब 1 किलो, इसका 5 गुना कितना हो जाएगा, 200 रुपये में वो 1 kg पनीर तैयार कर पाती है, और 1 kg पनीर की कीमत 200 रुपये है। 20 kg पनीर बनाती है तो 20 से दोनों पक्षों में गुणा करा देंगे, तो 20 से गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 4 × 3 = 0, 4000। कितना खर्चा आएगा उसको, 4000, दूध का पैसा 4000 देना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत है बताइए भाई, आगे बढ़ जाते हैं। बेला एक किसान है जिसके पास कुछ एकड़ ज़मीन है। पिछले महीने उसकी अच्छी फसल हुई थी जिससे ही उसे अपने प्रारंभिक निवेश पर 90% लाभ, जो लगभग 90,000 रुपये था, दिया था। लगभग हर मौसम में कितना निवेश करने के लिए उसे कितना पैसा चाहिए। आसान सवाल है, 90% की वैल्यू 90,000 दिया, 100 निकाल लो, 1 लाख, ख़त्म सवाल, ऑप्शन पहला सही है, ठीक है ना। अरे 90% की वैल्यू 90,000 है तो 100% की वैल्यू 1 लाख, हर साल वो 1 लाख रुपए खर्चा करता था, कोई करना थोड़ी ना कुछ सवाल में ज़्यादा कुछ। आगे बढ़ जाइए फटाक से। कह रहा है 82/1922 का वर्गमूल बताना है। 2 से काट देंगे वरना आ जाएगा ना, 2 से काट देते हैं इसको, 2 से काट देंगे तो 441 आ जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 9, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 441, 2 से काटेंगे दोनों 18, ठीक है, 2 × 12, 2 × 1 = 2,
ठीक है, ये किसका स्क्वायर है 21 का, और ये किसका स्क्वायर है तो 31 का, 21:31, ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है ना, अगला बढ़ जाइए, जल्दी से बना दीजिए। सवाल का मान दिया गया है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। बना दीजिए भाई, बहुत सरल सवाल है, अगला फटाक से बना दीजिए। देखिए, इसको पहले जोड़ेंगे वर्गमूल निकाल के, इसको आप लिख सकते हो अंडर रूट 108, 108 को लिख सकते थे 36 × 3, ठीक है ना, प्लस इसको लिख सकते हो आप 81 × 3, ठीक है ना, इसकी वैल्यू 25.98 दिया गया है, 6√36 × 3 होगा, सॉरी 6√3 हो जाएगा, प्लस 9√3 हो जाएगा, रूट बराबर है तो 15√3 का मान दिया गया है 25.98। आपको किसकी वैल्यू बतानी है, अंडर रूट 147 को लिख सकते हो, अंडर रूट 147, ठीक है ना, और प्लस आपको बताना अंडर रूट 192, ठीक है ना, तो 3 × 12 49 × 3 लिख सकते हो इसको, 49 × 3, प्लस इसको लिख सकते हो 64 × 3, ठीक है ना, ये 7√3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8√3 हो जाएगा, जोड़ेंगे 8 × 7 15√3 हो जाएगा, और 15√3 की वैल्यू पहले से ही दिया है, इसका मतलब यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही, ठीक है ना, ऑप्शन कौन सा सही है, सी सही है, बस फैक्टर करके जोड़ा गया है और जो सेम वैल्यू दिया गया है सेम वैल्यू पूछ भी रहा है, ठीक है ना, अगला बना दीजिए, फटाफट बना दीजिए सवाल। सीता पेन की एक की निश्चित संख्या 7 रुपये में 8 की दर से खरीदी और 5 रुपये में 6 की दर से बेच दिया, इसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। कुछ नहीं करना है ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए, आपको क्या करना है, रुपए को रुपए के नीचे 7 रुपये में 8 की दर से खरीदा, फिर 5 रुपये में 7 की दर 6 की दर से खरीदा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 7×42 की दर से 8×5 = 40 का घाटा हो गया, 42 में खरीद के 40 में बेचा है, घाटा हो गया, 2 का घाटा हुआ कितने पर, 42 पर, × 100, ठीक है ना, 100/21 कितना हो जाएगा, 100/21 2 से कट जाएगा ना, 100/21 का क्या होगा, लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, जितना प्रॉफिट ऑप्शन दिया वैसे ही कट गया, प्रॉफिट का ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये भी गलत है, ये भी गलत, ऑप्शन नंबर क्या सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, क्लियर हुआ। चलिए आज के लिए इतना ही, क्योंकि सवाल शायद समाप्त हो चुका है जी, आज के लिए इतना ही, ठीक है ना, यही है आज का सवाल, उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा सवाल लगाकर, ठीक है, चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद।